नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। सुनो सरकार रोजाना आप लोगों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके बीच हाजिर रहता है। इसी दौरान आपको बिहार के पंचायत चुनावों के बारे में अहम और बड़ी जानकारी लेकर आ चुके हैं। बिहार में पंचायत चुनाव कब, किस तरीके से और साथ ही साथ किस चरण में किस जिले का चुनाव कराया जाएगा, इसकी तमाम जानकारियां आपको विस्तार से बताएंगे। इतना ही नहीं, आपको सभी जानकारियों के साथ आपको इस बारे में बताएंगे कि बिहार के पंचायत चुनाव में अहम और बड़े बदलाव क्या कुछ हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार के पंचायत चुनावों के तारीखों का ऐलान आयोग के द्वारा कर दिया गया। 11 चरणों में होंगे बिहार पंचायत चुनाव। इतना ही नहीं, बिहार के पंचायत चुनाव में 12 करोड़ का, जी हां, नकली नोट का मामला भी सामने आया है, जो कि नकली नोट बनाकर छापकर बेचे जा रहे थे और इसे तमाम प्रकार के प्रत्याशियों को दिए जा रहे थे। इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है, मुजफ्फरपुर से इस खुलासा किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से जानकारी बताएंगे। लेकिन आपको आज किस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और साथ ही साथ हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जिया एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफी ज्यादा प्रेरणा हो देता है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं रोजाना आपके लिए बड़ी खबरों को लेकर आ सकूं। और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार के पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद में 11 चरणों में कराए जाएंगे बिहार का पंचायत चुनाव। इतना ही नहीं, बिहार के पंचायत चुनाव के अंदर सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर जो आ रही है, उसके कारण पहला चरण का चुनाव 24 सितंबर, दूसरे चरण का 29 सितंबर और 8 अक्टूबर को चुनाव कराया जाएगा। चौथे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर, पांचवें चरण का चुनाव 24 अक्टूबर और छठवें चरण का चुनाव 3 नवंबर को कराया जाएगा। इतना ही नहीं, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें सातवें चरण का जो चुनाव है वो 15 नवंबर और जी आपको बता दें आठवें चरण का जो चुनाव है वो 24 नवंबर और नौवें चरण का चुनाव 29 नवंबर 2021 को कराए जाने की अधिसूचना जारी हुई है। साथ ही साथ दसवें चरण के चुनाव 8 दिसंबर और 11वें चरण के चुनाव 12 दिसंबर को कराया जाएगा। यानी बाढ़ पीड़ित इलाकों में 8 और 10 को चुनाव कराए जाने को लेकर संभवतः प्रयास है। आपको बताते हैं बिहार के पंचायत चुनाव में आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद में लोगों में हड़कंप है। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का पंचायत चुनाव किस तरीके से जीता जाए। आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अंदर लोगों को बताया गया है कि लोग जो है वो इस बार चुनाव के तमाम प्रकार से तैयारियां कंप्लीट कर लें। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर से खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर जिले से मोतीपुर के से आपको बता दें खबर आ रही है, जिसमें बताया जाता है कि 12 करोड़ के नकली नोट जो है वो बिहार पंचायत चुनाव में खफाने थे। बिहार पंचायत चुनाव में 12 करोड़ तक के नकली नोट खफाने का जो मामला सामने आया, इसकी जांच भी की जा रही है। और आपको बता दें कि जो नकली नोट छापे वाले व्यक्ति थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर तमाम प्रकार से जानने की कोशिश की जा रही है कि नकली नोटों का बड़ा पैमाने पर किस जिले में खेप गया है। आपको बता दें कि सिवान, गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर समेत मोतिहारी और समेत सटे हुए तमाम इलाकों में इसकी बड़ी मात्रा गई है। एक प्रत्याशी के पुत्र के साथ इस नकली नोट छापने वाले लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये लोग 3 करोड़ छापने के लिए 1 करोड़ रुपए कैश लेते थे असली नोट में, जबकि 3 करोड़ नकली नोट थमाते थे। आपको बता दें इतना ही नहीं, इस मामले की जांच हाई प्रोफाइल पर तरीकों से करने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में होने वाले इस घटना का शर्मसार करने वाली इस घटना पर अब सब कोई अफसोस जाहिर कर रहे हैं और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी बात चल रही है। आपको बता दें कि इन लोगों पर देशद्रोही का केस दर्ज होगा और ये लोगों पर भारी मात्रा में केस जो है दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 12 करोड़ के नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। अगर आपको बता दें कि 12 करोड़ का जो नकली नोट छापने का जो मामला आया है, इसमें जांच किए जाने के बाद में संभवतः यह प्रयास है कि उन लोगों को कठोर से कठोर सजाएं दिलाई जा सके। ये बेहद शर्मनाक घटना है। बिहार के पंचायत चुनाव में पैसों की अंबार और बारिश को करने के लिए इस तरीके की गलत और आपको बता दें घटिया हरकत की जा रही थी, अब इसका खुलासा हो चला है।
अगली बारी और मुख्य समाचार के बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ गया पानी, जलस्तर बढ़ने से जी आप जल जीवन तबाह तबाह। जी आपको बता दें कि रेल यात्रा प्रभावित, बाढ़ का पानी जी आप वैशाली समेत कई जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ट्रेनों की लगातार बाधित होने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। बेगूसराय की बात कर ले या बात कर ले तमाम उन जिलों की, तो अब बाढ़ पीड़ित इलाकों में ट्रेनों को लेकर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। देख सकते हैं यह ट्रेन है पानी में जलमग्न हो गई है, जहां ना पटरियां नजर आती है और ना कुछ, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। खतरा बढ़ने से लोगों को तकलीफें हो रही है। जलजमाव और बाढ़ की स्थिति से निपटने का रेलवे हर एक संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन बाढ़ की इन तस्वीरों ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। समस्या बड़ी गंभीर है। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। बात करें आज की बड़ी खबर की, तो जी हां आपको बता दें कि अब राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। हालांकि राजद में टूट और घसूट की खबरें लगातार आती रहती है और इसी के दौरान जी आपको बता दें बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज जगदानंद सिंह को जी राजद के ऑफिस और राबड़ी देवी के आपको बता दें कि दफ्तर में बुलाया गया। राबड़ी देवी के दफ्तर में बंद कमरों में राजद की ओर से बातचीत की गई। इस तरीके से जगदानंद सिंह नाराज बताए जाते हैं, लेकिन जगदानंद सिंह ने अपनी गाड़ी को राबड़ी आवास के अंदर बुला लिया और मीडिया कर्मचारियों से किसी भी प्रकार के बात करने से वो वंचित रहते हुए नजर आए। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। तो अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते से पहले बताए थे कि बिहार में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर आपको बता दें खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि ये दो बड़े नेता क्या राजद के साथ जाएंगे, और ये तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। आयांश, बिहार का लाल, बिहार का बेटा, बिहार का एक ऐसा लाल जिसको 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए लोगों की मदद क्राउड फंडिंग की जा रही है, लेकिन बड़ी समस्या इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयांश की किसी प्रकार से मदद नहीं कर रहे हैं। आयांश के माता पिता ने बताया कि मुख्यमंत्री चाहते तो प्रधानमंत्री से अपील कर आयांश को मदद दिला सकते थे, लेकिन आयांश को मदद नहीं मिल पा रही है। आयांश का मदद अब कौन करेगा, ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि बड़े लेवल पर आयांश को पैसों की जरूरत है। 16 करोड़ का इंजेक्शन की जरूरत है और आयांश के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए कुछ पैसे क्राउड फंडिंग के द्वारा एकत्रित किए गए हैं। इसकी समस्या बड़ी है। अगली बड़ी और मुख्य समाचार को बढ़े उसके पहले आज कितना ही जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।